नमस्ते दोस्तों, कैशनेटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कैशनेटर में लॉग इन करने के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर वीडियो के नोटिफिकेशन पाना न भूलें। पहले हम लॉग इन के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको कैशनेटर में लॉग इन करने के लिए पहले growrite.ai वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप देख रहे हैं, आपके सामने एक नया पेज दिख रहा है जिसमें आपको अपना पुराना यूजर आईडी डालना होगा। इसके बाद आपको सेंड पासवर्ड रीसेट कोड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अगले पेज पर जाते हैं, आपको आपका रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी दिखेगा। इसे एक बार चेक करें कि आपने सही मेल आईडी डाली है या नहीं। अगर मेल आईडी गलत है तो आप कंपनी के दिए गए सपोर्ट मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज डालकर ईमेल चेंज करवाएं। चलिए हम फिर से लॉग इन पेज पर वापस आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉग इन पेज में आपको एक ईमेल कोड दिख रहा है जो कि आपको आपने दिए हुए मेल आईडी में आ जाएगा, जिसे आपको ईमेल से कॉपी करके इसमें डालना है। जैसे ही आप ईमेल कोड डालकर वेरीफाई कोड बटन पर क्लिक करते हैं, आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको नया पासवर्ड डालना होगा। ध्यान दें कि यह पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप नया पासवर्ड डालकर कंफर्म चेंज पासवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं, आपका नया पासवर्ड सेट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना खुद का यूजर आईडी और नया पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, आपको growrite का डैशबोर्ड दिखेगा। अब आप इसी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके कैशनेटर की वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, कैशनेटर में साइन इन कैसे करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले अपडेट्स जान सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।